ये मुस्लिम ड्रेस कोड क्या है, मुस्लिमा ड्रेस कोड, मुस्लिम ड्रेस कोड भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, मर्द और औरत का जो ड्रेस कोड है उसमें जहाँ फ़र्क होगा वो मैं आपको बता दूंगा। औरत के लिए जो है वो सर से पांव तक कवरिंग है जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती है। मर्द के लिए जो उसकी सतर है वो उसके नाप से लेके उसके घुटनों तक है। इसी तरह से जो क्लोथिंग है वो दोनों के अतबार से लूज़ होनी चाहिए, फिटेड नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि आपकी सतर जो है वो कवर्ड हो, नंबर वन, जब आप घर से निकल रहे हैं। घर के अंदर ऑब्वियसली आप अपना ड्रेस कोड रिलैक्स कर सकते हैं। नंबर टू ये है कि आपके कपड़े जो हैं वो बहुत फिटेड ना हो, खुले होने चाहिए। नंबर तीन ये कि वो सी थ्रू मटेरियल ना हो, यानी ये ना हो कि कपड़े तो खुले हैं लेकिन सी थ्रू हैं, ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। नंबर फोर ये है कि औरतें जो हैं वो मर्दों की मुशाबियत ना करें और मर्द औरतों की मुशाबियत ना करें। मैन शुड नॉट ड्रेस अप लाइक वुमेन एंड वुमेन शुड नॉट ड्रेस अप लाइक मैन। अभी मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ना ट्रेंड आ रहा है यूनिसेक्स टाइप क्लोथिंग का, कि औरतें जो हैं वो मर्दों के सूट्स पहन के ऑफिस जा रही हैं, मर्द जो हैं वो स्कर्ट्स पहनना शुरू हो गए, लड़कों के कुछ चीज़ें आ रही हैं, ऑलमोस्ट दुल्हन वाला ड्रेस लड़कों को पहनाया जा रहा है, अजीब व गरीब किस्म के फैशन आ रहे हैं। फिर पांचवी चीज़ ये कि आपके कपड़े जो हैं ऑल्दो आपको प्रॉपरली कवर करते हैं और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, लेकिन इतने फ्लैशी भी ना हो कि वो आई कैचिंग हो जाए, कि वो अट्रैक्शन का मरकज़ बन जाए। जिस तरह मुझे याद है आज से कुछ साल पहले UAE की एक प्रिंसेस हैं, उन्होंने अपना अबाया सिलवाया तकरीबन कोई 35 लाख का, उसमें डायमंड्स लगे हुए थे। अब ये 35 लाख का अबाया जो है ये तो यानी आप समझ लें कि वो कितना अट्रैक्टिव किस्म का अबाया होगा। तो ये उसकी रूह के ख़िलाफ़ है कि जो अबाया का मकसद था उसके उसको बिल्कुल डिफ़ीट कर रही है। और फिर ऐसा ना हो नंबर सिक्स में कि आप नॉन मुस्लिम्स के सिंबल्स पहनना शुरू कर दें, यानी आप मुसलमान हैं आपने गले में क्रॉस डाला हुआ है, या और इस किस्म के जो हिंदुओं के सिंबल्स हैं वो आपने पहने हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना। तो ये 6 जनरल गाइडलाइंस हैं कि हमने अपने लिबास को किस तरह से कवर करना।